जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। कार्तिक मासर आज होउछि 12तम दिवस बा द्वादश दिवस। एकादश दिवस रे एकादश अध्याय को श्रवण कले आज से भली भाव रे द्वादश तिथि रे द्वादशी तिथि रे आओ आज मध्य से भली भाव रे द्वादश अध्याय को आसंतु श्रवण करिबा। कार्तिक महात्म्य द्वादश अध्याय सुत उवाच सुण सकल मुनिगण द्वारकापुरे नारायण कहंती सत्यभामा आगे इतिहास कृत जोगे ब्रह्मा सनातन संवाद तीर्थ को कहंती नारद शुण राजन मन तो से गोविंद हर भुवन कपिल से गोविंद सकल रुद्र गण मिली गोविंद प्रभु को कले निहुचाई गोविंद गजवाहन गणेश्वर गोविंद समुखे जोड़ी बेनी कर गोविंद ईश्वर मुख चाह भणी गोविंद बोलती शुण शूल पाणी गोविंद दैत्यर रणे जेते रीति गोविंद आगे देखिले पशुपति गोविंद पड़ा वीरभद्र रणे गोविंद आंब समाने एक जणे गोविंद। अपूर्व कथा ये कार्तिक महात्म्य रे वर्णना करा जाइछि जहा सत्यभामांकर पाखरे श्रीकृष्ण कहुछन्ति सेभली भावरे समस्त मुनि ऋषिंकर मानकर पाखरे ब्रह्म सनातन संवादे तीर्थ को कहन्ति नारदे नारद मध्य सेइ कथा कहुछन्ति पृथुराजंकर आगरे किपरि भावरे सकल रुद्र गण मिली प्रभुंकु कले निउछाळी प्रभुंकु निउछाळी करुछन्ति गज वाहन गणेश्वर सेभली भावरे गणेश्वरंकर पाखरे समुखे जोड़ी वेनी कर समस्ते वेनी जोड़ी जोड़ी कर वेनी जोड़ी संपूर्ण भावरे प्रार्थना करुछन्ति ईश्वर मुखु चाही बणी बोलंती शुण शूल पाणी सेभली भावरे कहुछन्ति दैत्यर किपरि भावरे मरण हब कौन कराजिब ये आज्ञा चलुची कौन रणनीति प्रस्तुत होउची जलंधर को बद्ध कराजिब किपरि भावरे दैत्यर रणे जेते रीति आगे देखिले पशुपति पड़ा वीर भद्र रणे आंभ समाने एक जणे तार संगते वीर जेते सच्चा नहिले मले केते से चिंता नाही तुम्भ मने तांडव नृत्य अवधाने ए तुम्भ केऊ प्रभुपण आपणा हानि न प्रमाण यही प्रकारे कले कार्य कहाकू जीव लाज ए तुम्भ शत्रु जलंधर रणे मिलिला सुरनर जगतनाथ चक्रपाणी ताहाकू नेला रणे जिणी रखिला नेई निज पुरे ए बड़ कर्म त्रिको करे रखिला नेई निज पुरे ए बड़ कर्म त्रिलो करे एबे आंभर शत्रुगणे युद्ध करंती अकारणी तुम्हें ताहाको न जिणिले संसार न रहिब बोले एतकु हुअ सावधान देवंक दुख मने घेन एमंत गणे सवचने से विश्वनाथ अवधाने बोलंती शुण सर्वगणे आज देखिब तुम्भे रणे मारिब दुर्बु तदयित से जलंधर सिंधुसुत तार निधन जेबे नाही मोर सदने कार्य नाही हेमंत बोली देवकाशी कपिलासुत पृष्ठे बसी। अपूर्व भावर सहित समस्त शिवगण माने कहुछंती वीरभद्र भली एपरि भावर युद्धा
आम समस्त भाव साम समस्त भितर से बदौंत समक्ष आई समक्ष कहीं नाती आज आम कौन परास्त हवार देखीचु आह शह 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 मध्य शिवगण माने मरी जाई छाड़ी दुष्ट संपूर्ण भाव से दुख को आप भूली जाए तांडव करुछंती ये कौ भली भाव रे शोभा ये कदापि भाव रे शोभा नुह ये तुम्ह केउ प्रभुपण आपणा हानि न प्रमाण आपणाकर आपण ये हानि होउची आपण ये आपण जानि पारु नहंती एभली भाव रे आपणकर शत्रु से जलंधर ता सहित से एभली भाव रे रण रे युद्ध करी विष्णुको मध्य से रण रे संपूर्ण भाव रे जीति जाइची जगतनाथ चक्रपाणी ताहंकु नेला रणे जिनी ताहंकु मध्य रण रे जिनी जाइची एबे आपण किछि ना किछि करंतु काहेकि ना तुम्भ ताहार नजिलिले संसार न रहिबो भले आपण जदि ताकु नजितिबे ताले संसार रहिबो नाही एदिकु हुओ सावधान देवंक दुख मने हे ये देवता मानंकर दुख को आपण टिके भलो भाबरे मुंडो को नियंतु आपण काहे की भोला भाबा भली औचंती समस्त देवता माने कहउचंती शिवगण माने कहउचंती आपण एभली भाबरे भोला भाबा भली हेले आमे निश्चित भाबरे हारि जिबा आउ पार्वती मातांकु मध्य से छड़े नै जिवो एतिरे तिले मात्र संदेह नै महाप्रभु कहउचंती आउ निश्चित भाबरे मु आज ठारु एबे ठारु प्रतिज्ञा कली निश्चित भाबरे काली रण रे आपण देखिबे मारिबी दुर्बृत्त दैत्य से जलंधर सिंधुसुत से देखिब काली सिंधुसुत को किपर भाव में मारिबी आउ काली रण रे आपण समस्ते देखिब कौन कौन युद्ध रे किपर भाव में रण करिबे आसंतु श्रवण करिबा युद्ध को होइले बाहर शंकर ज्योति विराजे दिन कर शंकर पंचवदन त्रिलोचन शंकर जेने प्रचंड हुतासन शंकर जटा मुकुट सप्त फेणी शंकर ललाटे शिखे मिशा मणि शंकर कने कुंडल कंठ हार शंकर सुवर्ण सूत्रे नर शिर शंकर जे जन शिव आसे करी शंकर काशीर हर हृदय धरी शंकर भूत भुजंग गण साजे शंकर दस आयुध दस भुजे शंकर कांड गो दंड चक्र जाति शंकर त्रिशूले पिनाक सकति शंकर खड़ग पर मृदुगर शंकर प्रचंड ज्योति पर खर शंकर धवल तनु ज्योति राजे शंकर श्वेत वृष उपरे बीजे शंकर शिव गमन अंतरिक्ष शंकर बाजे डम्बरु नबल शंकर ता देखि रुद्रगण धाई शंकर प्रलय अग्नि प्राय होई शंकर सिंगा उपांग संकत ध्वनि शंकर सबदे पुरी लामे दीनी शंकर 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 गोविंद शंकर 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 गोविंद अपूर्व एठारे कथा आज्ञा जेपरी भाव शिवगणकर भितरे देवदेव महादेव प्रसन्न हवा सहित कर्णे कुंडल कंठ कर्ण रे कुंडल से कहुच किपर भाव दिव्य कुंडल हार उज्वल मस्तक उज्वल लोलितम गाढ़ कुंडल नेत्र उज्वल चंद्र शीतल भासितम हस्तनिर्मल दंड त्रिशूल हस्तनिर्मल दंड त्रिशूल भाले कौस्तुभ धारितम हे शिवापति पार्वती पति त्राहि मां भव सागरम जहाँ
इठारे वर्णना करेछि इठारे मध्ये सेइ बोली भावरे भूत भुजंग गणेश जे दंड आयुध दश भुज रे संपूर्ण भावरे आयुध को आयुध धरिछन्ति आज्ञा दंड कोदंड चक्र राजी दंड धरिछन्ति कोदंड धरिछन्ति चक्र मध्ये शोभा पाउछि त्रिशूल धरिछन्ति पिनाक धरिछन्ति तापरे खड़ग परशु ये मध्य शोभा पाउछि कौन करिछन्ति ना वृषभ उपरे विराजमान करि से पुणी धवल तनु ज्योति राजे श्वेत वृषभ उपरे निजे तो श्वेत पुणी श्वेत रूपक सेई नंदी उपरे विराजमान करि शिव कौन कले ना संपूर्ण भाव रे गमन करुछन्ति युद्ध क्षेत्र को यह देखी शिव बर माने मध्य प्रस्तुत होई तंक पछे पछे धाइबा को लागुछन्ति बन पशुक प्राय होई दैत्य को बुद्धि न दिशे शुणी असुर बल कंपे शबद सिंह प्राय झांपे बन पशुक प्राय होई दैत्य को बुद्धि न दिशे मंत्री विहीन चिंता कूड़े पाड़ूला जे दैत्य भले हेमंत काले शिव गणे प्रवश प्रवेश हेले रण स्थाने शिव को देखी जलंधर भय कंपई थर हर कार्तिक व्रति देखी पाप तेने हुई हृतुकंप तेने असुर भय करी पुणी क्षत्रिय गुण धरी रथ आरोही धाति कारे धनु नाराच धरी करे रथ आरोही धाति कारे धनु नाराच धरी करे युदे हुईला आगु सार सारथी सिंहिका को मर तादैत्य बल तार पछे लागिला सिंधु प्रति काछे नाना आयुधे करे धरी दैत्य धाइले दिग पुरी बाजई टमक निशाण दैत्य भेटिले शिव गण धनु आकर्षि सर विंधि आवरी एक एक बाधी शुण राजन विष्णु लीला जेजा तुल्ले युद्ध कला ताहा कहिबा एक एक शंभु आवरी त्रियंबिके अपूर्व भावर सहित देवदेव महादेव जेतेबेले आगमन करिछन्ति एकु देखी थर हर हेउछन्ति किए ना स्वयं भावरे जलंधर जलंधर थर हेउच रहउछन्ति किपरि भावरे जेपरि भावरे पाप मध्य नाशन होइ जाइ थाए कार्तिक को देखिबा मात्र के कार्तिक व्रत देखी पाप जेने हुई हृदकंप कार्तिक मास आसी गले कार्तिक व्रति व्रत धारण करि गले कौन हुए पाप माने कंप माने जेपरि भावरे हुंति छाड़ी चली जानती जेपरि भावरे जलटी आज्ञा बसीथिव थंडा संपूर्ण भावरे चुली रे चूली जेतेबेले जळिबाकु आरंभ हब जळटी फुटिबाकु आरंभ हब जळे फुटी फुटी जेपरि भावरे तळे मध्य पड़ी जाए सेई भळी भावरे अवस्था कहार जळंधर जळंधर मध्य निज प्रकार आस्त शस्त्र को साज करी तांकर सारथी होचंति सिंगिका कुमार तांकु मध्य धरी युद्ध क्षेत्र को आगमन करिछन् तांकर सहित मध्य समस्त असुर गण माने मध्य नदी तीर रे मध्य आसिकी संपूर्ण भाव रे रही जाइछन्ति ये युद्ध आरंभ होइ जाइछि कुहा जाइछि जे एक एक को एक से बोली भाव रे एक को मध्य दैत्यंकर बल एबडे शिव बल संपूर्ण भाव रे एकत्र होइ युद्ध करबा को आइछन् ता दैत्य बल रे ता पछे लागिले ये संपूर्ण भाव रे समस्तंकर पछरे लागि जाइछन्ति ताहार कहिबा एक एक शंभु आवरी त्र्यंबके शंभु मध्य से भली भावर सहित आरोहण करी से भली भाव युद्ध क्षेत्र रही ये युद्ध कौन रहुची आगो को किपरि भाव श्रवण करंतु युद्ध करंती अंतर्ज्याप सरसवद सप्तदीप चमकी हेला टल मल स्वर्गे कंपंती दिगपाल निश्चय तुले गणपति बाण पिंधती प्रति प्रति कार्तिक संगे जलंधर युद्ध कर आगोचर बाण विंधुची कोटि कोटे बतासे जेने जल वृष्टि काल नौमी महाकाल भीम कतुल्य बास कल ए चारि क्षेत्री माल युद्धे पड़ी गड़ती रण मध्ये हेति प्रहेति वीर घेनी युद्ध करती शिला घेनी प्रहेति नदी युद्ध कथा कहिले न सरीब पोथा एमंत एक एक रण निघात प्राय शुणे बाण युद्ध करती अहर्निशि उभय थाट मिशामिशि रणे पड़िले अनुक्षणे चक्र कुठार तीक्षण बाणे शस्त्र विघाते शिर छिटे किंसुक पुष्प प्राय झड़े जबंध कोटि कोटि नाचे मोड़ा पड़ती अति घंचे रथे मातंग खर बाजी नित्य पड़ती रणे गर्जी अपूर्व भाव रे कार्तिक आगोसार होई
युद्ध करुछंती किपरि भावरे कार्तिक संगे जलंधर युद्ध कर आगचार आगे जेहेतु सेनापति रही कार्तिक आगे सहित भेटा को पड़ो सी भाव युद्ध करुछंती महाकाल भीमक तुले बा सकल समस्ते से भाव सकल मिसी एक चारि क्षत्रिय माल युद्धे पड़ी गरंती रण मध्ये रण मध्य समस्ते मल युद्ध से भाव सरयुद्ध होती भाव समस्त प्रकार युद्ध होुद्ध करती अहनिशी उभय थाट मिसामिशी उभयर थाट भितर मिसामिशी हो आज्ञा युद्ध चली शस्त्र विघाते शिव छिड़ी अंकंका से पुष्ट प्राय छिड़ी से भाई भाव में किसी लोकंर कि शिवगण से भाव में किसी दैत्यंर मुंड छिड़ी जाऊ्ञा रत्ते मातंग खर बाड़ी नृत्य परंती रणे गड़ी से भाव भाव गर्जन करणी दिशे रंगवर्ण शिरे पड़ी महाशून्य शिव से पड़ुची महाशून्य पड़ुची रण मध्य से भाव में पूरा रक्ताक्त हो जाए स्थितर कथा आज्ञा कौन कह कई ना पार्वती को नापाई आज्ञा जलंधर आसी से सबकि चली आज्ञा रण एपर्तंत रणईश्वर कोपमूर्ति जुगांत काले जेने ज्योति से ही स्वरूप त्रिपुरारी रखे असुर बल मारी शूल प्रहारे शंभुरथ भांगी होइला खंड सत विरथी हो महावीर शिव चामुरु हेला दूर से शाल पिटे उमाकांत खड़गे रोमा को कले हत बड़च दैत केश धरी परी गघेनी ताकू मारी ता संगे दस लक्ष रथी वृषभ पकाइला मंत्री आयुते अश्वकोटि मता पदाती नकला गणिता असुर नामी महाबली ताकू बदन सेठी असुर नामी महाबली ताकू बदन ठेसी तोली पकाई देला अंतराले सिंह पातिला नहीं तले पड़ी असुर रूप फुटी पुणी वृषभ मुखे छाटी पकाई देला अति बेगे दैत पड़ा सिंधु भागे ता देखी जलंधर चिते भये भाड़ अंतर्गते ए महादेव विश्वनाथे मोर मरण ए हाते निश्चय संचिला दैव के अन्यता करिब निश्चय संचिला दैव के अन्यता करिब जे प्रति आते कली एहा लभित न पारिले ताहा जेबे पार्वती रूप देखी तेबे से ए जन्म सुखी मायारे करिबे उपाय धरिबी सदानंद काए जीवी गौरी सन्निध को विश्वास हरिबि ताकू तेबे लभिबि सर्वजय मूर्ति को नाही मोर भय शिव देवदेव महादेव कोपर माल होई कौन कले ना संपूर्ण भाव में शुंभ निशुंभ से भाव में समस्त दैत्य मान अच्छी भाव में समस्त दैत्य मान आयुध पोटी बरा से भाव में समस्त दैत्य मान को बद्ध करी चलती आज्ञा से नुह आज्ञा जो महादेव वाहन जहाँ को कहा जाए आज्ञा वृषभ सी मारुंट समस्ते असुर नामे महाबली ताकू दल बलद सेठी बोतोली संपूर्ण भाव स्वयं भाव नंदी कौन कले भिंगी दे नंदी बड़ कथ कौपरी भाव कराँ अनुपम बोली कह कहीं पड़ी असुर फुटी असुर को पकई किपर भाव कहीं बलिकीटार बली अच्छी कि बलिकी मारी ना कि बली जेहेतु असुर जातिर से आसी गोटे कण से पकई पकईदेला अति बेगे दैत्य पड़ा सिंधु भागे जो पढ़ी ता देखी जलंधर चिंते जलंधर चिंता करुच मोर अवस्था कौन हम ये अवस्था से भाविकी कौचि ए महादेव विश्वनाथ मोर मरणे हाथ एक हाथ में मोर मरण अच्छी कि न करी मुझे देखीदेवी केवल जो आसी पार्वती को टे देखापी
जेबे पार्वती रूप देखी तेबे न जन मु जदि जन्म होई छी जदि पार्वती को न देखिबे एते युद्ध कली किछि लाभ नाही कोन करिबी ना माया रे करिबी उपाय धरिबी सदा शिव काय सदा शिवंकर काय मु धारण करी मु जीबी सेठा को आउ देखिबी आउ ताकु जीबी गौरी सनिदान विश्वास हरिबी ताकु हरण करिकि नि आसी तेबे लगबीबी सर्वजन मृत्यु को नाही मोर भय मृत्यु को मोर भय नाही किंतु निश्चय भाव रे देखिबी आउ नै आसीबी मध्य एते विचारि दुष्ट मते मिलिला शंभु दैत्य जति ताकु बोइला प्रीतिपणे युद्ध संभाळि थाओ क्षणे मु जाय आसीबे तोरे ते विचारि भिणोई संगते से देव नाम माया धर जान ही अनेक विचार युद्धे जिणी केऊ बागे विचारे उठी बेगे हेमंत कही दैत्यनाथ शंभु को देला निज रथ हे रथे बैसी दैत्य वीर शिव संगते युद्ध कर कश्यप सुत कश्यप सुत विप्रचिति रथे आवरी विश्वपति करती असंख्य करण एतु अंतरे कथा शुण रण उपेक्षी जलंधर सेठारु गला केते दूर निज शरीर करी गोप्य मायारे हेला अन्य रूप से कौन कला जलंधर केट बुद्धि देखु आज्ञा देवदेव महादेव रूप को धारण करे कौन कला ना शुंभ शंभु को देला संपूर्ण भाव रे जो कि कह युद्ध संभाल थाई रखे क्या दौर ना संपूर्ण भाव रे सेठे कह मोर से दैत्य को ने मिलला शंभु दैत्य कति ताकू देखिला प्रीतिपणे देखी प्रीतिपणे युद्ध संभाली था बोली कही से कौन कला ना निजर रथ को दे चलीगला आ शिवंकर सहित युद्ध करूता मु जाए मु किछि माया रचना करके आसे या कहिकि निजे किछि बाट गला परे परे निज शरीर को गोपन कर कश्यप सुत विप्रचित रथे आवरी विश्वपति से भली भाव विश्वपति रण उपेक्षी जलंधर सेठा को गला केते दूर निज शरीर करी जो गोप्य माया रे हेला अन्य रूप को धारण करी से कौन करिब ना देव देवी पाखने त्रिभुवन जे ईश्वरी त्रिभुवनेश्वरी बोली भुवनेश्वरी पाख को जीव पार्वती महादेवी पाख को पंचवदन दश भुज विपुल व्यपु ज्योति राज करे त्रिशूल पाशुपत मुखरे तीन तीन नेत्र हेमंते पंचदश आखि पंचवदने भस्म माखि भ्रुकुटी कुटिल कपोले अर्धशीता सुज्योति जले सिरे मुकुट जटा भार सभी पड़ुछि गंगाधर कंठे लंबित अस्थिमाल श्रवणे मर्कतु कुंडल श्वेत वृषभ पृष्ठ जोगे गमन कपिलास मार्गे विविध रत्नमणि घंचे वृषभ मंडी अच्छी संचे सुवर्ण शंख शिखे हीरा रत्न मुकुट मणि तोरा कपाले सोहे सुना चांद मध्य माणिक अरविंद घागुड़ी घंट घंटी माल लंबी पड़ी वक्ष स्थल पाद नुपुर चारि साजे पोचालते ऋणु छुणु बाजे पाटर केत नेत तुली पारिजात को फुल फुले सुवर्ण दौड़ी सुरखे दर्पण पंथी मेनि पाखे श्वेत चामर प्राय पुछ हर वृषभ उपलक्ष तार ऊपर जलधर जान प्रत्यक्ष बेद घर साधीरे विजे लीलावती किन्नरे वृंदे बेढ़ी लंचंती अपूर्व बेश नव रंगे नृत्य करती अंग रंगे वेश को धारण कला देवदेव महादेव वेश को ता सहित कौन कला ना अपूर्व भाव सहित जहाँ किसी देवदेव महादेव रही जेकी कहा जाइछि जेकी वंदे देव उमापति सुर गुरु वंदे जगत कारणम जेपरी भाव रे कर्ण रे कुंडल से भली भाव रे पाट केशर तनु तोली से भली भाव रे विभिन्न प्रकार पाट तोली सिंगा को धारण करिछि आउ कोन ना दस पंच अवदन काहे ना पंचानन बोली कहि पंच अवदन से भली भाव रे दस टी आखि से भली भाव रे नासिका ये समस्त प्रकार सृष्टि करिबा मायार रूप को धारण करी से भली भाव रे कोन ना देवदेव महादेव जा उपरे बसंती तांकु से भली भाव रे बाहन टी जोगाड़ करी तापरे बसी चलिले आज्ञा पार्वती पाख को किपरि भाव रे पार्वती चिन्ही पारुछंती ना नाही ता सुनंतु आज्ञा गभीर ताने गीत स्वरे मंगल जय शंख पूरे ताल मृदंग जत्र रवा हेमंते करुछंती सेवा शिव संपद प्राय होई असुर शिव परे जाई पार्वती दासी माने आसी थिले जे सिंह द्वारे बसी
जय शबद शुणि बेगे उठी चाहिए राजमार्गे देखिले विजय विश्वनाथे बयस पुष्प दृष्टि पथे देखिले विजय विश्वनाथे बयस पुष्प दृष्टि पथे पशुवाहन पशुपति सिरे धराई फूल छति युवती गण पासे बेड़ी आसंती पटुआरे पड़ी केते हिंदुरे शंखनाद सुबुझि वीणा जय वाद्य हेमंत देखी दासी गणे पार्वती आगे तत् क्षणे कहिले अंतपुरे जाई ଏଭଳି ଭାବର ସହିତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ବେଶ ନବରଙ୍ଗେ ଅପୂର୍ବ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଶିବ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଅସୁର ଶିବ ପରେ ଯାଇ ଶିବ ଭଳି ହୋଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଶିବପୁରଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାସୀମାନେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଜଗିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କୁସୁମ ଭାବର ସହିତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଜୟ ଶବଦ ଶୁଣି ବେଗେ ଉଠି ଚାହିଁଲେ ରାଜମାର୍ଗେ ରାଜମାର୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବିଜେକ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୟସ ଗୟସ ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୟସ ଫୁଲ ଯେ ସୋମବାରରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ନା ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାଦେବ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଗୟସ ଫୁଲ ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ପଶୁବାହନେ ପଶୁପତି ପଶୁବାହନ ଉପରେ ପଶୁପତି ବିରାଜମାନ କରି ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଗଣ ପାଶେ ବେଢ଼ି ଆସନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସି ଏମନ୍ତେ ଦେଖି ଦାସୀଗଣେ ପାର୍ବତୀ ଆଗେ ତଦକ୍ଷଣେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଗରେ ଯାଇ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ତୁମ ବଲ୍ଲଭ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଆସନ୍ତି ରଣ ଜୟ କରି ନିକଟେ ଆସି ପରବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ ଆସ ହେମନ୍ତ ଦାସୀ ମୁଖ ଶୁଣି କନକ ଶୈଳ ଦୁଲଣି ନିଜ ଆସନ ଉଠି ବେଗେ କାଞ୍ଚନ ମାଳା ସଖୀ ସଙ୍ଗେ ପୁର ବାହାର ହୋଇ ଆସି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଜେନେ ଶଶି ଦାସୀଙ୍କ କରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଆସନ୍ତେ ପଡ଼େ ହୁଳହୁଳି ନବରୁ ହୋଇଲେ ବାହାର ଦେବୀଙ୍କି ଦେଖିଲା ଅସୁର ଯେମନ୍ତେ ଥିଲା ଶୁଣି ପୂର୍ବେ ନାରଦ ବଚନ ପ୍ରଭାବେ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ଆଗେ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରିଲା ଆଖି ପାର୍ବତୀ ରୂପ ଅଗ୍ନିକାନ୍ତି ସୁଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାନ୍ତି ଶରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭା ତହୁଁ ଅଧିକ ମୁଖ ଶୋଭା ନୀଳବସନ ପ୍ରହରଣ ସୁରଙ୍ଗ ନେତ ଉପାରାଣ ବିନିଲୋଚନ ରୂପ ଚାହିଁ ଅସୁର କମ୍ପମାନ ଦେଇ ପାର୍ବତୀ ଅଙ୍ଗ ଆବରଣ ଯେ ଶନି ଆଦିତ୍ୟ କିରଣ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ପରେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ କ'ଣ କଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରି କ'ଣ କଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଖୀ ବୋଲି କହି ପ୍ରିୟ ସଖୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାର୍ବତୀ ଆଗେ ତତକ୍ଷଣ କହିଲେ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତପୁରରେ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଆସିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳିକୁ ଧରି କନକ ଶୈଳ ଦୁଲ୍ଲଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳିକି ଏହା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜଳନ୍ଧର ଦେଖିଲେ ଯାହା ନାରଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ରୂପ ଅଗ୍ନିକାନ୍ତି ସୁଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତି ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି ଯାତ ବେଦ ସେ ଶୁଣ ବାମ ସୋମ ମରା ତିନି ଦହତି ବେଦ ଯାହାକି ଋଗ୍ବେଦରେ ଦେବୀ ସୂକ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ତାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭା ତହିଁ ଅଧିକ ମୁଖ ଶୋଭା ତାଙ୍କର ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କାଳିକା ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହଁ ଯେ କି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୁଖରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାର୍ବତୀ ଅଙ୍ଗ ଆଭୂଷଣ ଦେଶରେ ଦୈତ୍ୟ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରୂପ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଦେହ ତାର କମ୍ପମାନ ହେଉଛି କମ୍ପମାନ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଶିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମଥାମଣି ନାସାରେ ମୁକ୍ତା ଚାପ ସରି ତା ଦେଖି ସାଗର ନନ୍ଦନ ହୃଦୟ ହୁଏ କୋପମାନ କୁରଙ୍ଗୀ ଲୋଚନ ଅଞ୍ଜନ ଦାନ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗଞ୍ଜନ କର୍ଣ୍ଣେ ତାଟଙ୍କ ବେନି ଦେଖି ମନ୍ଦ ହୋଇଲା ବେନି ଆଗି ନୀଳକୁନ୍ତଳ କେଶ ଭାର କୁସୁମ ଫୁଟି ଦିଶେ ଚିର କନକ ଜମ୍ଭୁ କଣ୍ଠ ଦେଶେ ମୁକୁତା ଚାପ ସରି ବସେ ବାହେ ବାହୁଟି କରେ ଚୁଡ଼ି କାଞ୍ଚନେ ନବରତ୍ନ ଜଡ଼ି ଅଙ୍ଗୁଳିମାନଙ୍କରେ ମୁଦି କିରଣେ ଦୈତ୍ୟ ମନ ଭେଦେ ବେଳକୁ ବେଳ ମନ ମୋହେ ଅନ୍ତରେ କାମ ଅଗ୍ନି ଦହେ ବାରଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଶନେ ବନମୃଗ ରହି ନୂପୁର ଦେବୀ ବେନି ପାଏ
तेरव घंटे ध्वनि प्राय शुणी असुर श्रुति पुटे मनता रहिला संकटे ता देखि लुब्धक कुमार प्रहार कले पंचसर मर्मे बाजिला बाण जाई असुर अचेतन होई। ये समस्त प्रकार देखुचि कण हाथ रे बाजू बंध लागिछि पांच आंगुली रे पांच आंगुठी पिंधिचंति सुवर्णर सेभली भावरे तंकर शोभा अंटारे अंटा रे लागि समस्त प्रकार रा बाजू बंध बंध शृंखला रेखी आगे आखि मध्य आखिरे मध्य सेभली भावरे अपूर्व भावरे कण लगेचंति ना सेभली भावरे कण ना काजल कला मध्य लगेचंति ता सहित कनक अजम्बु कंठ देसे मुक्ताहार मध्य शोभा पाउचि ए समस्त प्रकार देखि गण हला ना काम ज्वलारे जुलिबा को लागिला आउ जते बले पार्वती देवी अनै दैछंती से नयन रे आज्ञा पंच सर जाई जते बले बाजी जाईथि आहा काई कि ना महाप्रभु देवींकर कथा कौन कहिबा आज्ञा समस्तंकु शक्ति प्रदान करती आउ समस्तंकर शक्ति को हानि मध्य करि दियंती से होती देवी एभली भाव में पंच सर जिते बड़े बाजी कौन हम नापर कौन है ना मूर्छित हो जाइया मूर्छित है कौन होसतु श्रवण करवा वृषभ उपर पड़ा वृक्ष की कुसुम झड़ा असुर से ही प्रकार पड़ा धरणी उपरे ता देखी देवी मन भ्रांति जानिले निश्चय माया जते तक्षण हेले अंतर्धान गगने विजुली जे सन दासी सहित महामाई रहिले गोप्य स्थान जाए असुर मोहे पड़ा क्षण के चेतना पाइला लाजे बाहुड़ी सिंधु शिष्य पुणी होइला निज बेश रत्न काई चरथे बसे युद्धे प्रवेश है एतु अंतरे शुण कथा अंबिका पाई मन व्यथा पुणी एकांत स्थान बसे ध्यान चिंतिले ब्रह्म राशे जे प्रभु विजे सर्वभूते पुरु बाहर अंतर्गते अशेष लोक चिंतामणि विजे गौरी मन जाणी ध्यान गोचर हो दृश्य सामुरे हेले परवेश विष्णु दर्शन देवी पाई आनंदे सिरे कर रे यहाँ जिते बड़े देखी देखीदे जापारे ये असुर हूँ माया रूप धारण करे तत्क्षणात पार्वती देवी तंकर दासी सहित अंतर्ध्यान होगले गुप्त जाकि रहीगले येपटे कौन है किसी समय पर चेता पाइबाप जलंधर मध्य युद्ध क्षेत्र को चलीगला युद्ध क्षेत्र को सीना चलीगला पार्वती देवी चिंता करुंट असुर मोर पड़ा ये असुर मुहरे पड़ा से गला सीना एपटे पार्वती लाजरे बाहुड़ी गले आज्ञा संपूर्ण भाव केउटा को ना गोह संपूर्ण भाव गुप्त जा चिंता कले का नारायण को चिंता कले कहीं महादेव सेपटे युद्ध अच्छा चिंता कले किपर भाव जानवे आज्ञा से नारायण को चिंता कले आष्णु दर्शन देवी पाई आनंदे सिरे कर दे आनंदर सहित देवी को दर्शन करने सहित जिते विष्णु दर्शन करुंट महाप्रभु को से कथोपकथन हो पार्वती देवी से भली भाव रे कौन कहउचंती आसंतु श्रवण करिबा पार्वती उवाच हे प्रभु देव नारायण तो नाम परम कारण परम हंस दीक्षा ज्ञाने तोते चिंतंती जोगी जने तो पूर ध्यान मार्गे देखी आत्मा को करु थांती सुखी अंते मिलंती तो भुवने न जानती जम दर्शने हेमंत महिमा तो कर शरण जनक सुधर जे जन काल भये डरी तोर शरण आश्रे करी तार विपत्ति आऊ नाही सकल लोकाश्रय तुहि तु देव देव निरंजन तोर अभावे मूर्ख जन तु देव देव निरंजन तोर अभावे मूर्ख जन संसारे हेउ थांती धंदी देशने राजा घरे बंदी मु एहा भले अछि जानी तू ना तो सर्वचिंतामणि सकल जीव परे बसु सुजन रखी दुष्ट नासु एणु तो दही तारिवाना भगत हिते च वज्र सेना मुनिजे कहिछंती पूर्वे मोर गृहारी शुण एबे असुर नामे जलंधर बळे जिणिला तिनि पुरम। महादेवी प्रार्थना करुछंती आपण होउछंती परम हंस मानंकर दीक्षार अंतिम उपाय होती आपण
सेतिपाई तो रूप ध्यान मार्ग को देखिबा पाई समस्ते चिंता करंती अंते अंते मिलंती तो भुवने अंतरे केवल आपणकर भुवन को पाइबा पाई समस्ते चिंता करंती न जानती जम दर्शने जमपुर को जानती नहीं आपणकर नाम को जी आश्रा करे मंत महिमा तोर शरण जनंकर स्वदर आपण शरण मानंकर जे शरण पसे आपण ताकु सदा सर्वदा कृपा करिथंति तोर विपत्ति था तू थिबा पर्यंत विपत्ति आसे नाही कौनसी प्रकार भक्तंकर उपरे काहिंकि ना आपण हेउचंती सकल जीव परे बसु सुजन रक्ष दुष्ट नाशु समस्त प्रकार सुजन को रक्षा करु दुष्ट मानंकु नाश करु सेथिपाई त जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत से आपण सदा सर्वदा नाम मध्य आपण बाना को उड़ौंती जो बाना एणु तो नाम हूँ दहितारी बाना भक्त हिते वज्रसेना भक्त हितरे आपण हूँ वज्रसेना असुर नामे जलंधर बड़े दिन लातिनीपुर तीनपुर को से जीति आपण किसी ना कि उपाय करंतु सर्व संपद कला जुथ तथापि से नोल नल तार लोभ आज्ञा सरु ना ये भाव एत संपत्ति लोठन कलापर से तथापि कौन करुच्ची आपण श्रवण करंतु मोते लभिव बोली करे ए मन्ते मनरे विचारी मायारे धरी शिव रूप मोर भुवने कौणप नष्ट व्यवहारे आसीथिला मो रूप देखि मोह गला धर्म जे कला प्रतिकार नोहिले सरन ता व्यवहार तु नाथ सर्व धर्म गुरु मोते जे रखे लु दुस्तरु एबे मु करिबि के मंत विचारी कह लक्ष्मीकांत से जलंधर थिले भले निस्ते सुजने नाश गले अधिके कि कहिबि आउ भो प्रभु बुझि आज्ञा हेउ हेमंत देवी वाक्य शुणी हसी कहती चक्रवाणी कहले एभली भाव शिवंकर रूप को धारण करी मते माया रूप से हरण करिबा पई आसीथिला आउ मोर रूप लावण्य को देखी से मोहित होइगला धर्म मते केवल धर्म जे कला प्रतिकार नोहिले सरंता व्यवहार नहले सब किछ सरी जाइतांता से मते निश्चित भाव रे हरण करितंतु नाथ सर्व धर्म गुरु एकदा आपण सब किछ जानि पारंती एतिकि कथारु जानि पारुतिबे कौ भली भाव तार व्यवहार साधु जनक मानू रक्षा करने आप सदा सर्वदा अवतार धारण करते मते से भाव से दुष्ट को मारवाई किसी ना कि उपाय करतु आउ संपूर्ण भाव साधु मानू आप रक्षा करतु शुण गो देवी साकंबरे माया को माया करे पारी मो नाम माया थर जेणु माया मुनस हए तेणु विशेष साधु ठारे पुणी माया करंती जेऊ प्राणी मुही करई ताको माया जावत थिव तार काया तावत सुख नाही मोर कहंती करुणा सागर महाप्रभु कहउचंती मोर नाम होछि मायाधर सुण देवती दे तुण सुण गो देवी साकंबरी साकंबरी सुणंतु देवी मो ना होछि मायाधर मु कोन करे कंटा को कंटा रे काढ़ी थाए सेथिपाई मो नाम होछि मायाधर जेणु माया कु न सहे मु कदापि कार माया सही पारे रे के माया करुथुब सेथिपाई विशेष विशेष साधु ठारे जे माया करे जे सज्जन को उपरे माया करे ताकु दुष्ट संपूर्ण भाव रे कष्ट दिए मु ताकु मध्ये इबरी भाव रे माया करे जाबत रति रहिताए तार प्राण से पर्यंत मो माया ता ठारु छाड़े नाही आज्ञा मु करिबि किछि माया जाबत थिब तार काया थिबा पर्यंत मु किछि ना किछि से ताकु मारिबा पाई किछि ना किछि उपाय करुछि आपण अभयता प्राप्ति होई दोष जे रूपे रूपे अपराधी जे जे रूपे अपराधी आंभे करिबा सेई बुद्धि तार युवती सदाचारे दैत्य अक्षय तीनु पुरे ताहा करिबु आम्भे नाथ तेबे मरिब सिंधु शिष्य एतेक कहि भगवान सेठारु हेले अंतर्ध्यान
विष्णुत चने महामाया मनरु छाड़िले संशय विष्णु चने महामाये मनरु छाड़िले संशय से दुर्गा माधव चरणे मो मन रहु अनुचणे बणई महा देवदास हे देवदास सुजने क्षमा कर दोषरि बोल महाप्रभु कहुचंती एबे जलंधर आसी माया तुम्भर पुरे बसी जेतु से माया करी आमे मध्य से बोली भाव रे माया करिबा एबे लभिबा जे कार्य आंभे करिबा मायाज आज जारु मु माया मध्य करिबा पई आरंभ करी देवी जत्ते जे रूपरे सी आगे माया करी के आछि सेति पई कोनोसी दोष लागिब नाही तार युवती सदाचारी दैत्य अभय तिनि पुरी तार जेहेतु स्त्री अछि सती व्रती आउ से मध्य भल जेहेतु तार गुणवान से उचंती ता पई तिनि पुर जति जाइछि सेतिपाई नारीटे यदि भल हो जाए ताले परिवार आज्ञा सब किसी भल हो आज्ञा जोठार नारी आज्ञा संपूर्ण भाव खराब से संसार टी आज्ञा भांगी जाए आस्ते आस्ते यदि संसार को गढ़ती आज्ञा देखु मंद दूरी मध्य से भाव भल से आज्ञा संसार टी आज्ञा से भाव भल आज्ञा से भाव वृंदावती होती भल से संसार टी आज्ञा जलंधर जिते दुष्ट हेले जिते पापाचारी हेले कई छुई पार ना तार गोटे चुट्टी टी कोई बंका कर कारण जेहेतु तार नारी होती सदाचारी आउंट प्रतिव्रता से तार कहीं किसी कर पार ना आज ता सहित माया करवा माया करी कहीं महाप्रभु कहते कही महाभगवान सेठारू हेले अंतर्ध्यान ये भाव अंतर्ध्यान हो गले आज मैंने कह जाए महाप्रभुंकर सहित जे दुर्गा माधवंकर चरण रे स्मरण करे निश्चित भाव रे से अभयता प्राप्ति होई थाए से बोली भाव रे ठारे महादेव दास द्वादश अध्याय को समाप्त करिछंती आउ द्वादश अध्याय रे से बोली भाव रे वर्णना करिछंती कि परि भाव रे ये घटना अघटन कथा निश्चित भाव रे आपण माने बुझी पारिथिबे इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये जलंधर माया विधाने नाम द्वादशोऽध्यायः विवस्याभिरणो भंगो मनिरभिमतिभ्रमा यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषान विद्यते अहन्ति सिये गान्ति सिये सुनन्ति सिये जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।